नमस्ते दोस्तों, सो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे एंड हाजिर हूँ आपके सामने पार्ट टू को लेकर। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मूवी का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले मूवी के पार्ट फर्स्ट को जरूर देख लें, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ही जिन लिम से मिलने जा रहा होता है, तभी एक लड़का जिन के सामने गाड़ी ला के रोकता है और तभी जिन को लगता है कि लिम इस रिश्ते से निकल चुकी है और इसीलिए वह उदास होकर वापस लौट जाता है। लेकिन कुछ महीने के बीच जाने के बाद जिन को लिम का कॉल आता है, क्योंकि लिम उससे मिलना चाहती थी। और जब जिन उसे मिलने जाता है तो लिम उसे अपने गले से लगा लेती है, क्योंकि अब लिम को जिन के बारे में सब कुछ पता चल गया होता है कि जिन उससे अपनी बीमारी के कारण उससे दूर हुआ है। और तभी हमारी स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर लिम और जिन को दिखाया जाता है जो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। और तभी जिन उसे बताता है कि इसके बाद तुमने अपने ग्रेजुएशन छोड़ दिया था और तुम्हारे पेरेंट्स हमारी शादी के खिलाफ थे, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने मुझसे शादी की और शादी के ठीक एक साल बाद हमारे घर में जीव का जन्म हुआ। और तभी अगले सीन में दिखाया जाता है कि परिवार में सभी लोग खुश रहते हैं और वो सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। और तभी टीवी पे न्यूज आती है कि 2 हफ्तों में बारिश बंद हो जाएगी, यानी कि मानसून चला जाएगा। और जैसे ही जिन ये खबर सुनता है, वो तुरंत उठकर टीवी को बंद कर देता है, क्योंकि उसे भी यकीन होता है कि बारिश के खत्म होने के बाद उसकी पत्नी वापस अपनी दुनिया में चली जाएगी। और तभी हमें लिम को दिखाया जाता है जो अपने बेटे जीहू को घर के सारे काम बताना शुरू कर देती है और उसे हर एक काम सिखाती है ताकि उसे भविष्य में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में रात का सीन दिखाया जाता है, जिसमें जिन उस टनल के पास जा रहा होता है जहाँ पर उसे लिम मिली थी। वो अपने दोस्त के साथ इस पूरे टनल को ब्लॉक कर देता है ताकि उसकी वाइफ उसे छोड़कर कभी वापस ना जा सके। और जब अगले दिन जिन अपने काम पे होता है, तभी जिन को एक कॉल आता है और ये कॉल उसके पड़ोसी का होता है जिसने जिन को बुलाया हुआ होता है। और जब जिन उस जगह पे पहुँचता है तो वहाँ पर उसका बेटा जीहू भी होता है। उसकी पड़ोसी उसके फादर से बोलती है कि जीहू डेली मेरी गाड़ी पे सूप लगा देता है, पता नहीं आपका बेटा मुझसे चाहता क्या है और इसकी प्रॉब्लम क्या है। और तभी जिन अपने बेटे से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? हालांकि उसका बेटा वहाँ कुछ भी नहीं बताता, लेकिन जब वह घर जा रहे होते हैं तो उन्हें बताता है कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि जब भी हमारी गाड़ी वाशो की आती है तो उस दिन बारिश होती है और इसीलिए जीहू भी उसकी गाड़ी पे सोप लगा देता है, क्योंकि जीहू नहीं चाहता कि बारिश बंद हो और उसकी माँ उसे छोड़कर वापस चली जाए। और यूवी की आंखों में ये सब कहते हुए आंसू होते हैं और यूवी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो एक बार फिर से अपनी मॉम को नहीं खोना चाहता। वहीं दूसरी तरफ जीहू की मॉम को दिखाया जाता है जो जिन के एक दोस्त की बेकरी में जाती हैं, और ये बंदा लिम का भी स्कूल टाइम का दोस्त होता है। वो यहाँ पे जीहू के बर्थडे का केक लेने आई होती हैं और साथ ही साथ वो बेकरी वाले को ये बोलने आई होती हैं कि तुम्हें एक मेरा काम करना होगा और ये काम मेरे जाने के बाद तुम्हें काफी टाइम तक करना होगा और तुम प्रॉमिस करो कि तुम मेरा ये काम कभी भूलोगी नहीं। और तभी यही भी सीन कट हो जाता है। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में जिन को दिखाया जाता है जो कि टनल के सामने खड़ा होता है। किसी ने वो सारी लकड़ियां जो टनल के अंदर लगी हुई थी, जिसे जिन ने ब्लॉक करने में यूज किया था, उसे हटा दिया होता है। और ये सब देखकर जिन बेचारा काफी उदास हो जाता है। और तभी जिन घर वापस आ जाता है, जहाँ पर मिस्टर जिन और लिम जीहू के बर्थडे का बहुत धूमधाम से सेलिब्रेशन करते हैं और जीहू के बर्थडे पे पूरा का पूरा परिवार काफी खुश होता है। और तभी लिम बोलती है कि काश मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रह पाती। और ये सुनने के बाद जिन इमोशनल हो जाता है। और तभी हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें लिम जीहू के स्कूल जा रही होती है, पर जब वो बाहर निकलती है तो देखती है कि अब बारिश पूरी तरह से बंद हो चुकी है और आसमान पूरी तरह से साफ है, यानी कि अब बरसात का मौसम जा चुका है। और तभी वह जीहू के स्कूल जाती है, जहाँ पर सभी बच्चे अपने करियर के बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में बता रहे होते हैं। लेकिन जब जीहू का नंबर आता है तो 7 साल का जीहू वो सारी बातें बताता है जो उसकी मॉम ने उसे सिखाई होती है कि घर का काम कैसे करना चाहिए, किस काम को किस तरीके से करना चाहिए। वो ऐसी काफी सारी बातें बताता है और यूवी की ऐसी बातें सुनकर वहाँ की सारी ऑडियंस काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और यूवी के लिए सभी लोग तालियां बजाते हैं और उसकी मॉम ली भी काफी इमोशनल हो जाती हैं। और तभी ली यहाँ से निकल जाती है। जब जीहू घर पहुँचता है तो वह देखता है कि उसकी मॉम घर पे नहीं है। वो समझ जाता है कि उसकी मॉम कहाँ गई होगी। उसके दिमाग में चल रहा होता है कि उसकी मॉम टनल में ही गई होगी जहाँ वो उन्हें पहली बार मिली थी, और आज बारिश भी बंद हो गई है। और वह भागता हुआ अपनी माँ के पास पहुँच जाता है जो कि उस टनल के अंदर जा रही होती हैं।
और तभी हमें नेक्स्ट सीन में जिन को दिखाया जाता है जो कि स्विमिंग पूल में एक आदमी को बचाते हुए वहीं पर बेचारा बेहोश हो जाता है। और जब उसे एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा होता है तो उसे होश आ जाता है। वो देखता है कि बाहर धूप निकली हुई है। वो एम्बुलेंस से उतर कर टनल की ओर भागना चालू कर देता है। और तभी हमें टनल के पास दिखाया जाता है कि लिम उस टनल के अंदर जा रही है, लेकिन तब तक जीहू वहाँ पे पहुँच जाता है। वो भाग कर अपने मॉम के गले लग जाता है और अपने मॉम से बोलता है कि आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। तभी उसकी मॉम बोलती है कि मेरे वापस जाने का वक्त आ चुका है। और तभी जीहू अपने मॉम से बोलता है कि मैंने आपके रिश्तेदारों को बोलते हुए सुना था कि आपकी मृत्यु मेरे कारण से हुई थी। मेरे पैदा होने के बाद ही आपकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगी थी और जिसके कारण आप लगातार कमजोर होती चली गई और अंत में आपकी मृत्यु हो गई थी। और तभी लिम अपने बेटे जीहू से बोलती है कि बेटा जीहू, तुम ऐसा कभी भी मत सोचना, इसमें तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है। मेरी जिंदगी वैसी होती जैसे कि आज है, और वैसे भी अगर मैं तुम्हारे बिना 100 साल भी जीती तो वो जिंदगी मेरे लिए बेमायने होती, क्योंकि बेटा तुम ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। और जिन भी इस जगह पहुंचने के लिए काफी स्ट्रगल करता है रास्ते में, काफी स्ट्रगल के बाद और लास्ट में वो भी पहुंच जाता है और वो आखिरी बार अपनी पत्नी लिम को देखता है। इसके बाद लिम यहाँ से गायब हो जाती है और अब जिन और जीहू की जिंदगी एकदम नॉर्मल हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुश रहना सीख चुके हैं। और जब शाम को जिन वापस आता है तभी जिन को एक चाबी मिलती है और उस चाबी के साथ एक नोट भी होता है। उसमें लिखा होता है कि स्टोर रूम में तुम्हारे लिए कुछ है। और जब जिन स्टोर रूम में जाता है तो वह देखता है कि वहाँ पर एक डायरी रखी होती है जो कि लिम ने उसके लिए छोड़ा था। तभी वो डायरी को पढ़ना चालू कर देता है जिसमें लिम ने लिखा था, मैं शुरू से ही तुमसे प्यार करती थी। स्कूल छोड़ने के बाद 2.5 सालों तक हमारी बात नहीं हुई और मैंने भी कई बार तुम्हें कॉल करने की कोशिश की। और एक दिन जब मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हें कॉल करूं, उसी वक्त तुम्हारा कॉल आ जाता है और इसके बाद हमारी बातें हुई और हम एक दूसरे से मिल पाए और इसके बाद हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन एक दिन तुमने मुझे एक लेटर भेजा था जिसमें लिखा था कि अब हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। हालांकि उस टाइम मुझे इसके बारे में मालूम नहीं था और इसकी वजह मुझे बाद में मालूम चली थी कि तुम्हें कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। लेकिन इस ब्रेकअप के बाद मैं पूरी तरह से टूट गई थी। और जब कई दिनों के बाद एक दिन जब तुम मुझसे मिलने आए थे और जब मैं अपने कॉलेज के बाहर थी, उस दिन बारिश हो रही थी और तभी वहाँ पे मेरा एक दोस्त गाड़ी लेके आया। तभी मुझे एक बुक लेने जाना था और मैं उसके साथ गाड़ी में बैठ गई थी। और जब गाड़ी थोड़ा आगे गई और तभी मैंने तुम्हें वहाँ पास खड़े हुए देखा, तभी मैं गाड़ी से उतर कर तुम्हारे तरफ भागी चली आ रही थी और उसी वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया था। और वो वही पल था जब ब्रेकअप के बाद जिन लिम से मिलने उसके कॉलेज के बाहर आता है। लेकिन जब वो उसे एक लड़के के साथ देखता है जो कि गाड़ी लेके उसके पास आता है तो वो वहाँ से जाने लगता है। और इसके आगे लिम लिखती है कि एक्सीडेंट के बाद जब मेरी आँखें खुली तो मैं एक टनल के अंदर थी और 8 साल बीत चुके थे, यानी कि मैं अपने समय से 8 साल आगे आ गई थी। और स्टार्टिंग में मैं जब तुम्हें और जीहू को देखा तो उतनी समय मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे सब कुछ समझ में आ गया। और तभी इसके बाद हमें लिम को दिखाया जाता है जो कि एक हॉस्पिटल में कोमा में थी और अब वो होश में आ चुकी थी। और तभी कोमा से जागने के बाद उसे लगता है कि जो भी मैंने देखा ये सब मेरा सपना था। पर जब वो उन सभी जगहों पे जाती है जिस जगह पे वो जिन और अपने बेटे जीहू को देखा था और वहाँ उन दोनों के साथ थी, तो उसे यकीन हो जाता है कि वह सपना नहीं था। और उसे ये भी यकीन हो जाता है कि उसने टाइम ट्रेवल किया था जहाँ पर वो आज से 8 साल पहले भविष्य में पहुँच चुकी थी, यानी कि लिम ने एक भविष्य की झलक देख ली। और तभी उसे पता हो जाता है कि अगर मैंने जिन से शादी की तो ठीक 8 साल बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी और अगर वो किसी और से शादी करती है तो शायद वो और भी लंबा जिए। लेकिन तभी वो अपने आप से एक सवाल पूछती है, क्या वो जीहू और जिन के बिना खुश रह सकती है। तभी उसे आंसर भी मिल जाता है और ऐसा करना उसके लिए इम्पॉसिबल सा लगता है। और तभी उसे एहसास होता है कि शायद वो एक्सीडेंट में इसलिए बच गई कि भविष्य में उसका बेटा जीहू और जिन उसका इंतजार कर रहे हैं और वो जिन के साथ अपने जिंदगी के 8 साल बिताएगी। और तभी लिम भागते हुए मिस्टर जिन के पास जाती है और जिन को अपने गले से लगा लेती है। और तभी वह जिन से बोलती है कि सब कुछ अच्छा होगा और हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। और ये वो पल होता है जब लिन अपने पति से पहली बार मिलने गई थी। और तभी यह स्टोरी उस वक्त पे शिफ्ट होती है जब वह डायरी पढ़ रहा होता है और तभी वो डायरी के लास्ट में पढ़ता है कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा पल तुम्हारे साथ बिताया और मैं इसके लिए भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और तभी कई साल बीत जाते हैं और तभी यहाँ पे हमें जिन और उस बेकरी वाले को दिखाया जाता है जिसे लिम ने एक काम दिया होता है और वह उसके बेकरी में गई थी
वह जीहू के बर्थडे पर केक और ग्रीटिंग कार्ड लेके आता है। दरअसल लिम उसकी बेकरी में जाकर उस दिन बोला था कि हर साल तुम जीहू के बर्थडे पे मेरी तरफ से उसे केक एंड ग्रीटिंग कार्ड दे देना। और जब वो अपने मॉम की ग्रीटिंग कार्ड को देखता है और तभी वह बोलता है कि मॉम मैंने अपना वादा पूरा किया, मैं अपना और फादर का ध्यान रखता हूँ और मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहा हूँ। और इसी के साथ ये प्यारी सी स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। फिर मैं आपको ये स्टोरी क्लियर कर देता हूँ। इस फिल्म में दरअसल दो टाइमलाइन दिखाई गई है। एक टाइमलाइन वो जहाँ पे जिन की मृत्यु हो चुकी है और दूसरी टाइमलाइन ठीक 8 साल पहले की होती है जहाँ पे जिन और लिम का ब्रेकअप हो चुका होता है और वो दोनों के दोनों अंदर से टूटे हुए होते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि जिंदगी में प्यार एंड परिवार का होना कितना आवश्यक है। जिंदगी बहुत लंबी ना होकर भले ही वो छोटी हो, लेकिन हमारे जिंदगी में सच्चे लोगों का आसपास होना और हमारी जिंदगी में सच्चे प्यार का होना बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए लिम लंबी जिंदगी नहीं जीती है, बल्कि वह जिन का साथ चुनती है जहां पर वो मात्र 8 साल ही जी पाएगी। लेकिन ये 8 साल उसके जिंदगी के सबसे बेस्ट मोमेंट होंगे जो अपनी जिंदगी में हमेशा दुखी रहते हैं। तो ये थी पूरी कहानी बीवीथियों की, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। एंड दोस्तों, आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके नज़रों में कोई ऐसी स्टोरी हो तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, एंड सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। एंड हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।